छोटू सा अब 5 मिनट मुंह में रख लियो उसको। दिवाली का मिठाई है तो आ जाओ आ जाओ। दिवाली कब है इसके अंदर? दिवाली कब है? 300 किलो का है लंबा तो उतार लो। आ जाओ आ जाओ यहाँ पे उतार के आ जाओ। तो रेट्रोफिट किट अभी आ गया है, तो अभी जो हमारा प्रेजेंट पेंट बूथ है उसको हम वाटर बेस्ड पेंट बूथ बनाएंगे। इसके बाद हमारी वर्कशॉप में पेंट जॉब कैसा होता है ये तो आप सबने देखा ही है, बट आज हम अपनी वर्कशॉप में एक अपग्रेडेशन करने वाले हैं। एक्चुअली जो पेंट सिस्टम्स आते हैं जो बॉडी शॉप में यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सॉल्वेंट बेस होता है और एक वाटर बेस होता है। सॉल्वेंट बेस और वाटर बेस दोनों ही सिस्टम में जो क्लियर कोट प्राइमर और पुट्टी यूज होता है वो सेम ही होता है, बट दोनों के बेस कोट में एक फर्क है। सॉल्वेंट बेस में जो थिनर जाता है वो सॉल्वेंट मिक्सड होता है और वाटर बेस पेंट में जो थिनर जाता है वाटर बेस होता है, तो ये ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। आज हम अपने वर्कशॉप में सॉल्वेंट बेस सिस्टम से वाटर बेस सिस्टम पे अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम वाटर बेस सिस्टम में शिफ्ट करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी। तो पेंट बूथ में सर्टन ऑल्टरेशंस करने पड़ेंगे, एयर ड्राइंग सिस्टम लगेगा अलग से। तो अगर पहले से तुम वाटर बेस लगा रहे हो तो तुम फिट करके ही बूथ वैसा डाल सकते हो, बट क्योंकि हमारा बूथ ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑल्टरेशंस लगेंगे, ताकि हम उस वाटर बेस को जैसा एयर ड्राइंग सिस्टम चाहिए वो हो सके। रेट्रोफिट होगा, हाँ मतलब एडिशंस होंगे, चेंज मतलब वही हुआ ना। इसका लिस्ट वगैरह कुछ दिया है क्या क्या है इसमें? मंडे को आदमी भेजेंगे, मंडे को फिटिंग होगा आपका, ठीक है चलेगा। और मटेरियल भी मंडे ट्यूसडे को आ जाएगा, रैक भी फिटिंग करके प्रोटोमोटिव को जब मैंने पहली बार सुना था तो आई वॉज वेरी इंट्रीग बाय देम, बट काम इतना अच्छा किया है उतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। पूरे टाइम मुझे हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया गया कि क्या होगा कैसे होगा, एंड द सर्विस हैज़ बीन अमेजिंग, वेरी हैप्पी अबाउट द वर्क। अक्षय पीछे अपनी पार्किंग में जगह है क्या? क्या क्या खड़ा है उधर? दो कंपस है, पियाज है, बलेनो है, सिटी है, एक पोलो है प्रोटोमोटिव वाली और एक एलेंट्रा है। साथ हुई ना? हेलो, एक वर्टस है, एक मिनट इधर आना। ये अपनी फॉर्च्यूनर रेडी हो गई है ना, बुलेट प्रूफ वाली, पीछे से कोई ऐसी गाड़ी यहाँ ले आ जिस पे काम करना बाकी है। ये रेडी गाड़ी यहाँ वर्कशॉप के अंदर मत रखा कर। और एक गाड़ी इंतजार होगी। कौन सी? हेलो। तो वर्कशॉप में आप डिटेलिंग एंड पेंट जॉब के अलावा हम गाड़ियां खरीदने बेचने में भी ज्यादा एफर्ट डालने लगे हैं। अब ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी होती है, स्पेशली उसके इनिशियल फेज में। हैरियर पक्का मॉडल 2022 व्हाइट कलर। इतना बोर हो गया कस्टमर। कौन सा मॉडल है? XZA विदाउट सनरूफ। XZA विदाउट सनरूफ कब से आने लगा? 2022 का मॉडल। दिखा चाबी ला। हमें बेचनी है, हम ही कस्टमर बनने ना लग गए। थोड़ी बहुत खुजली तो होती है ना यार। देखो अब एक अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिलेगी तो किसका मन नहीं करेगा खरीदने का, है ना? सही बात। नहीं वैसे भी तुमको पुराना वाला इंटीरियर पसंद नहीं था ना? हाँ मैं अभी देख रहा हूँ मैं कौन सा ले रहा हूँ। अच्छा ये पेड़ देख के मेरे को याद आया, देखो पता है पेड़ की एज कैसे बताते हैं? वो रिंग्स से ना, पेड़ के जब काटते हैं तो अंदर जो रिंग्स होती हैं हर साल की एक लेयर ऐड होती है। इतनी वियर्ड चीज है ना। बर्गर मैन में कुछ चेंजेस आए नहीं? हाँ पीछे का टायर बड़ा हो गया, पहले तो ऐसा वो पोलियो वाला टायर था पहले। शाबाश से जरा चाबी मंगा ना इसकी, सब कर दिया नेविगेशन वेशन सब आ गया उसमें। नेविगेशन ये आप जाके लिए था क्या? ये बड़े सर ने, मैंने लिया, अलग लेवल की गरीबी थी तब। गाड़ी जब मैंने खरीदी थी ये ली थी मैंने 2019 में, शायद 18 या 19 में।
पैसे ही नहीं थे, क्रेडिट कार्ड पे खरीदे थे, बोला 2% ऊपर लगेगा। मैं कल ले पैसे ही नहीं है तो 2 लगे या 4 लगे। हमने काफी चलाई यार, लेकिन हाँ ये काफी चलाई यार। ये किसी से पूछना अपने किसी से, वो हीरो वाला स्कूटर किसी ने लेना है क्या? हेडलाइट में पानी कैसे जा रहा है अंदर? पीपीएफ क्या था सर, इंस्पेक्शन के लिए आई गाड़ी। तो एक पानी कैसे है इसके अंदर? और कस्टमर पे 1.5 महीने तक वॉश भी नहीं की, आप भी वॉश हुई है। वारंटी में शोरूम में दिखानी पड़ेगी ये, एक बार डीलरशिप में दिखा दीजिए। पानी फॉग हो रहा है अंदर। अच्छा, मतलब नई गाड़ी है, होना नहीं चाहिए वो। किधर मॉइस्चर सीप करके हेडलाइट में पानी जा रहा रहेगा। ठीक है, तेरा इन्वेंट्री पूरा हो गया? पेंट डिफेक्ट्स कहीं मेजर कहाँ कहाँ पे? सर मेजर तो मुझे ये डोर जैम में है, इसका जो साइज है जो नॉर्मली आता था वो कम था, अभी बड़ा बड़ा है वो। और डिटेलिंग में डाल के ही दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। तो कल सुबह सबसे पहले इसको सैंडिंग करवा, उसके बाद फिर पीपीएफ में डाल गाड़ी को। जितना कट हो सकेगा उतना कट करो, सैंड करके उसको जितना ठीक कर सकते करो, फिर पीपीएफ करो। ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है हम लोगों ने काफी अच्छे सिस्टम बिल्ड कर दिए हैं, जहां पर सब लोग अपना अपना काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बट मेरा फिर भी ये मानना है कि बीच में रैंडमली चीजों को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई चीज अगर हिसाब से ठीक नहीं चल रही है तो गलतियां पकड़ने से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपने बनाए हुए सिस्टम्स को और बेटर कर सकते हैं। दिवाली आ रही है, थोड़ी बिरयानी वगैरह हमको भी खिला दो। अच्छी वाली खिलाएगा तो खिला। किधर से मंगाओ? वो तुझे पता होगा, बिरयानी का तुझे पता है, मुझे पता है। एक बिरयानी अच्छा मिलता है आपको अगर आप पहले उसको ऑर्डर करोगे। जहाँ लास्ट टाइम से किया था, इसका पतीला तूने 3 महीने वापस नहीं किया, वो अभी भी पड़ा है। ठीक है, लेकिन वो अच्छा था क्या? हाँ, तो उसको उसका पतीला वापस कर दे, नई बिरयानी मंगा के नया पतीला रख ले 2024 के लिए, 25 में वो वापस कर दियो। ठीक है, कल दोपहर में मत लाना। खाली मेरे लिए, सबके लिए? नहीं, पूरा ऊपर। हाँ ठीक है, देख फ्री की बिरयानी हो गई तेरे लिए, वो देख उधर। अरे मिथिलेश, मिथिलेश थोड़ी मैगी बना दे यार, एक पैकेट बना दे। मिथिलेश संभालता है हमारी वर्कशॉप में हाउसकीपिंग का काम। अब हमारी वर्किंग शिफ्ट शुरू होती है 9:30 बजे, पर मिथिलेश आता है 9 बजे, और शिफ्ट खत्म होती है 7 बजे, तो वो चला जाता है 6:30 बजे। अब यहाँ पर बजने वाले थे ऑलमोस्ट 7 और वो जा रहा था घर, और मैंने उसको लास्ट मिनट पे पकड़ लिया क्योंकि मेरा मैगी खाने का मन हो रहा था। वो हंसा भी इसीलिए, पता है उसको मालूम था अभी काम आ रहा है मेरी साइड। 10 मिनट बचे हैं। नहीं, वो 6:30 जाता है क्या? हाँ, वो जल्दी आता है। या मैं सही बताऊँ ना, तो नेक्सॉन का ये वाला कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आपने पहले भी देखा है कि हम लोगों ने अपनी रैपिड पे भी पर्पल कलर किया था। अब ये कलर ऑब्वियसली उतना अच्छा तो नहीं है, बट अपने आप में काफी यूनिक है, एंड नेक्सॉन का जितना कलर रेंज है उसमें से ये कलर मुझे सबसे प्यारा लगा। क्या मियां, क्या चल रहा है? काम चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। कलर तो बहुत सुंदर है। Nice. Tarzan the Wonder Car by Tata Nexon. ये कार हमारे पास आई है गरवारे के पेंट प्रोडक्शन फिल्म एप्लीकेशन के लिए। हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये जो नए वाले फेसलिफ्ट्स हैं, एक हमारे पास सिल्वर ग्रेश टाइप की इलेक्ट्रिक नेक्सॉन भी आई थी, उस पर भी हमने गरवारे की पीपीएफ अप्लाई करा था, इस पर भी हमने सेम किया, और हमारे पास हैरियर का फेसलिफ्ट भी आ गया, जो हमने एक्चुअली फोन करके शोरूम में बात करी कि अगर आप टेस्ट ड्राइव दे सकते हो तो बताए, बोले सर गाड़ी तो आई नहीं है, और एक ही दिन बाद यहाँ पे कस्टमर गाड़ी डिलीवरी लेकर आ गए। कितनी देर का काम है? काम तो बहुत टाइम किया, अभी चालू किया 4.5 घंटे। अभी मेरे को आधी से ज्यादा गाड़ी हुई भी दिख रही है। 1, 2, 3, 4 बंदे लगा रहे, एक अगर 1 पीस लगा तो 4 मिनट में 4 पीस खत्म होता है। हो जाएगा ना जल्दी? तो फिर बोल क्यों रहा है बहुत देर का काम है? नहीं, फिनिशिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। फिनिशिंग सबसे जरूरी है, गाड़ी की फिनिश अच्छी आनी चाहिए, कहीं पे भी काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी वो रहती है। अभी एक्चुअली वर्कशॉप में सब लोग जा चुके हैं 8:15 बजे, बस हमारी पीपीएफ की टीम बची है जो इस गाड़ी को फाइनल कर रहे हैं क्योंकि इसकी डिलीवरी है। चलो कर लो काम फिर, ठीक है? देखते कितनी देर का जैसे काम, 2.5 घंटे, चलो देखते गाड़ी की फिनिश कैसे आती है। एज एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस का एक नियम मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था कि यू शुड बी द फर्स्ट वन टू वॉक इन एंड द लास्ट वन टू वॉक आउट। आई थिंक किसी भी बिजनेस के शुरू के जो 4-5 साल होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि आपको अपना पूरा हार्डवर्क और डेडिकेशन उसमें देना पड़ता है। हमारी कोशिश एज एन एंटरप्रेन्योर ये रहती है कि हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं, एंड वी शुड ऑलवेज बी द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन इन द रूम। क्या हो गया? कुछ मानना पड़ेगा, वापस देखे जाएगा, ऐसा लगेगा तो निकलेगा ही निकलेगा, कुछ ही मानना पड़ेगा।
क्रिम्पिंग क्रिम्पिंग वही करना पड़ेगा, वही था ना वही था, लेकिन अपन ने बाद नहीं लगा था। पेंट गन के नीचे जो पाइप रहती है जो कंप्रेसर से एयर आती है उसका क्रिम्पिंग आई थिंक लास्ट टाइम खराब हो गया था, इन्होंने वैसे ही हुक टाइप वो लगा के टाइट कर दिया, अभी एयर प्रेशर इतना है कि वो गन से छूट गई पाइप। तो कल सुबह भेजो, अपने पास और अल्टरनेट नहीं है क्या? अल्टरनेट नहीं है सर, बनाना पड़ेगा फिर एक पाइप, अपने को और अल्टरनेट बनाना पड़ेगा। एक पाइप मंगा के ले ले यार, अभी के लिए अर्जेंट चाहिए तो बैकअप में रख लियो। तो अभी तू पेंट मारने में दिक्कत हो रही है तेरे को? अभी निकल गया था ऐसे थोड़ा बहुत टाइट टाइट किया उसको। हमने बहुत टाइम पहले कुछ व्लॉग्स बनाए थे जिसमें हमने दिखाया था कि हमारे कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैंने ये बात पहले भी बोली है कि कंप्रेसर इज प्रीटी मच द लाइफलाइन ऑफ अ बॉडी शॉप। जब भी एयरलाइन में कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो ऑलमोस्ट सारा काम रुक जाता है। अब यहाँ पर एयरलाइन में तो प्रॉब्लम नहीं आया है, पर पेंट गन की पाइप में जरूर प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से एयर लीकेजेस हो रहे हैं और ये हमारे पेंट जॉब क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है। तो हमें इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रेशर ज्यादा तो नहीं रखा था गन पे? प्रेशर गन से सेट किया था ना तू? सेट किया था, इधर से भी मैंने कम कर दिया। हाँ उधर से कम कर, उधर बेटर रहेगा। उसको निकल गया था, कम कर दिया था, फिर भी वो निकल रहा है। उसको थोड़ा कम रख प्रेशर को। ऐसी प्रॉब्लम चलती रहती है, कुछ ना कुछ नए कीड़े होते रहते हैं। कर रहे अभी सोल्यूशन, देखते हैं। गन अच्छी है बोल रहे दूना, अपनी डिविल बेस वाली गन से बेटर है क्या? वाटर बेस बेटर है ना, तो साटा ही चाहिए। वाटर बेस संभाल लोगे ना पूरा? क्या है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरी टीम में कि वो वाटर बेस्ड पेंट सिस्टम संभाल लेंगे। मेजॉरिटी ऑफ हमारे सीनियर पेंटर्स ने पहले वाटर बेस्ड सिस्टम यूज भी किया है, पर उनसे ऐसे सवाल पूछने भी जरूरी हो जाते हैं। क्या है, सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी जज करना पड़ता है ना, कि उसको अपने ही काम पे कितना कॉन्फिडेंस है भी या नहीं भी। अभी इसको चेक करके बोलता हूं आपको। हाँ ठीक है, मार के देखे एक बार। हमने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग वाटर बेस्ड पेंट सिस्टम लगाने वाले हैं, तो उसके बेस कोट को ड्राई करने के लिए एयर लगती है। तो हमारा फिटमेंट भी आ चुका है, हम लोग इसी पेंट बूथ में ऑल्टरेशन करने वाले हैं जिसमें हम साइड में एयर ब्लोअर लगाएंगे। वो एयर ब्लोअर लगने के बाद जब भी हम बेस कोट स्प्रे करते हैं जो कि गाड़ी का कलर है, उसको फिर ड्राइंग देने के लिए हवा छोड़ी जाती है। तो आई थिंक मेरी पेंट कंपनी से भी बात हुई थी, मंडे तक हो जाना चाहिए होपफुली। एक बार हो जाएगा, नया रैक फिट करेंगे, नया पेंट मटेरियल भी ट्राई करेंगे। न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। द रीजन जो मैं वर्कशॉप में ऐसे छोटे छोटे चेंजेस टाइम टू टाइम करता रहता वो ये नहीं है कि जो हम एग्जिस्टिंग सामान यूज कर रहे हैं उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम है, बट एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी भी ड्यूटी बनती है कि मार्केट में जितने टाइप के प्रोडक्ट है हम उनको टेस्ट करें और फिर फिगर आउट करें कि हमारे लिए कौन सा सबसे सूटेबल है। मैगी बन रही है? बन चुकी है। बन गया है, थोड़ा सा चीज ऐड करेंगे। अच्छा बाद में? हाँ अभी। ये वीडियो वो है जिसका मैं बहुत महीनों से वेट कर रहा था। एवरी टाइम आई गेट टू सी दिस कार इट गिव्स मी टीयर्स इन माय आईज बिकॉज माय फादर यूज्ड टू ओन 5 ऑफ देम। यूज्ड टू मेंटेन एंड सर्विस बाय हिज ओन, बट व्हेन ही पास्ड अवे इन 99 वी हैड टू सेल एवरी कार, बट फॉर हिज मेमोरी आई स्टिल ओन 2 फिएट पुंटो ईवो। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील लाइक दिस कार इज गेटिंग रेडी फॉर माय फादर। बहुत अच्छा कमेंट लिखा भाई आपने, थैंक यू सो मच। मेरा दिल खुश हो गया, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था कि एक बार पढ़ के सबको सुनाऊंगा। अब इसको ना 5x 1x 3x में से स्विच करो तीनों को, देखो वो कितना स्मूथ जाता है, देखो है ना सब, देखा कितना स्मूथ जाता है, शूट करते हो फील हो रहा है। इतने कमीने ये लोग यार। यार जो भी बोल, एक्चुअली ऑनेस्टली पकड़ने का फील इसका बेटर है, ये थोड़ा एक्चुअली हाथ में चुभता है ये वाला। तू क्या कर रहा है, पद्मिनी की रील बना रहा है क्या? यार मैं शॉर्ट बोलता हूँ तो तुम रील बोलते हो, वही 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 मैं रील बोलता हूँ तो तुम शॉर्ट बोलते हो, एक ही चीज हुई ना दोनों। तुझे लगता होगा ऐसा, फोन नहीं जाता है, इसको नीचे ड्रॉप कर जितना हो सकता है ये, और गर्दन ऊपर खींच। लैपटॉप है ना? कहाँ अराइव डाल दिए, आए नहीं है, रेड लाइट पे खड़े हैं, अराइव डाल दिए हैं। मैं यहाँ खड़े होकर ढूंढ रहा हूँ कौन है जी, कहाँ है जी। तो क्या कर सकते हैं?